आगामी त्योहारों को लेकर अफजलगढ़ कोतवाली में हुआ बैठक का आयोजन। आज अफजलगढ़ कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीओ अफजलगढ़ सुनीता दहिया ने की। बैठक में उन्होंने लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील। इसके बाद अगला त्योहार हमारा क्या रहेगा? दशहरा। दशहरा को लेकर सबको एक रामलीला के थोड़ा सा असमंजस रहता है कि होगी या नहीं होगी। अभी हमारे पास वैसा कोई निर्देश नहीं है और रोकने का भी ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास, तो हम लोग जैसे परमिशन आएगी हम लोग उसके अनुसार जो निर्देशन ऊपर से आएंगे हम वो करवाएंगे। भीड़ की भांति जो होता रहा है वो एज इट इज होगा। ऐसा नहीं हम कोई नई परंपरा या नया रूट आप लोग फॉलो करेंगे, जैसे पहले कभी होता रहा है वैसे ही होगा। इसमें कोई भ्रम मत रखिएगा, होगा, लेकिन जैसे निर्देश आएंगे आपको अवगत हो जाएगा। जो भी है कोई बात नहीं, ये एक तो आप नोट करवा दीजिएगा, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ रखी जाएंगी ऑन रोड कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अगर रखने भी है तो आप अपने घर में ही रखेंगे, सड़क पे या आवागमन जहाँ से होगा वहाँ कोई मूर्ति नहीं। दूसरा, आप जो भी अगर मूर्ति रखवाते हैं किसके संयोजन से, किसके नेतृत्व में, कितने लोग निकलेंगे, क्योंकि कोविड-19 का भी हमें पालन करना पड़ेगा। इस ओर आप लोग पहले से ही सूचना दे देंगे और उसके निर्देशन में ही, उसी के नेतृत्व में ही वो निकलेगा। कहीं कोई बात होगी तो वो जिम्मेदार भी होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता आपके साथ कौन है, कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी शिकायत या कोई अफवाह फैलाता है, तो आपको क्लियर हो कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।